हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीलर की भराई कितनी करनी चाहिए जिससे कि पॉलिश की चमक हमेशा बरकरार रहे और चमक कभी ख़त्म ना हो। तो इसके लिए मैंने तीन विनियर के अलग अलग पीस लिए हुए हैं और एक लकड़ी का पीस लिया है। इसके ऊपर मैं आपको बताऊँगा कि सीलर की भराई कितनी करें ताकि उसकी चमक कभी भी ख़त्म ना हो। तो ये देख सकते हैं, चार पीस हो गए हैं टोटल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं हम लकड़ी के ऊपर हमें रिपेयर जो मोटे होल होंगे वो सबसे पहले ही इसकी रिपेयर कर लेनी है लकड़ी की, ताकि बाद में आसानी हो हमें। और बिनियर पे हमें पहले रिपेयर नहीं करनी है, इसके ऊपर हमें पॉलिश का हाथ मारना पड़ेगा, उसके बाद में ही रिपेयर कर सकते हैं। तो लकड़ी के ऊपर रिपेयर करने के बाद में रिपेयर सूख जाएगी तो उसके ऊपर हमें लगाना है पट्टे वाला रेगमाल 80 नंबर। और बिनियर के ऊपर हम पट्टे वाले रेगमाल का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पट्टे वाला रेगमाल लगाएंगे तो इसके सारे रेसे उड़ जाएंगे, इसलिए इसके ऊपर हमें 150 नंबर या फिर 220 नंबर रेगमाल का प्रयोग करना होता है पहले। तो लकड़ी के ऊपर लगाना है हमें 80 नंबर रेगमाल और विनियर के ऊपर लगाना है 150 नंबर का रेगमाल। तो सबसे पहले हम लकड़ी की कटाई कर लेते हैं। इसकी कटाई इतनी करनी है कि लकड़ी पूरी बराबर हो जाए, कहीं पर ऊंची नीची ना हो। इसको आप जितना मर्जी रगड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके ऊपर। और अगर आपकी लकड़ी ज़्यादा खराब है तो उसके ऊपर सबसे पहले ग्राइंडर मार लें, उसके बाद में यह रेगमाल लगाएं। इस तरह से पूरा निकला है इसका। और बीनियर के ऊपर 150 नंबर का रेगमाल, एक कलर वाली बीनियर है। ये तीनों पीस बीनियर के ही हैं, बाकी इनका कलर अलग अलग है, रेसे भी अलग अलग हैं, कंपनियां भी अलग हो सकती हैं। सीलर की भराई कितनी करनी है या लकड़ी के ऊपर या बीनियर के ऊपर ही डिपेंड करता है किसमें रेसे किस टाइप के हैं। और दोस्तों, यह है हमारी ई बुक, इसमें आपको सभी प्रकार के पेंट और पॉलिश की डिटेल मिल जाएगी विद मटेरियल के साथ में। और इसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इसमें आपको स्पिरिट पॉलिश, मेलामाइन पॉलिश, पीयू पॉलिश, डीको पेंट, पीयू पेंट, सभी प्रकार की डिटेल मिल जाएगी, स्टेप बाय स्टेप, और मटेरियल की भी जानकारी इसमें मिल जाएगी कि कौन सा मटेरियल हमें किस टाइम लगाना चाहिए और कौन क्या क्या मटेरियल यूज करना चाहिए। तो इसको खरीदने के लिए आप किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया होता है पेंट पॉलिश करना सीखे, लिंक पर क्लिक करना है, सीधा बुक पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद में व्यू नाउ पे क्लिक करना है, फिर अपना नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, अमाउंट भर के नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर बीनियर के ऊपर हम पट्टे वाला रेगमाल मारते हैं 80 नंबर का तो उसकी क्या हालत होती है। तो बीनियर का पीस लिया है मैंने, दूसरा पीस है ये, 80 नंबर रेगमाल है पट्टे वाला, ये देख सकते हैं, ये इस तरह से इसके रेसे उड़ जाते हैं अगर आप 80 नंबर का रेगमाल बीनियर के ऊपर प्रयोग करते हैं। बाकी आप पुराना रेगमाल यूज कर सकते हैं, पट्टे वाला कोई चक्कर नहीं है उसका। रेगमाल लगने के बाद में मारने इसके ऊपर स्पिरिट पॉलिश, स्पिरिट और लाकदाना को मिक्स कर बनाई जाती है। अगर आपके यहाँ स्पिरिट पॉलिश अवेलेबल नहीं है तो आप सैंडिंग सीलर का भी प्रयोग कर सकते हैं उसकी जगह पे। बाकी अगर आप स्पिरिट पॉलिश का प्रयोग कर लेंगे तो बढ़िया है। ये स्पिरिट पॉलिश ही मार रहा हूँ मैं इसके ऊपर, ये देख सकते हैं इस तरह का कलर निकला है इसका। चारों का कलर अलग अलग है, ये व्हाइट कलर के है विनियर, और एक ब्राउन कलर के है, बाकी दो नेचुरल हैं। दो दो हाथ मैंने स्पिरिट पॉलिश के मार लिए हैं। अब इनकी पूरी भराई करनी है हमें सैंडिंग सीलर से, और देखते हैं हमें भराई करने में इसके ऊपर कितनी गद्दियाँ मारनी पड़ती हैं। विनियर की रिपेयर आप कर सकते हैं, जब हमने स्पिरिट पॉलिश इसके ऊपर मार ली है उसके बाद में रिपेयर कर सकते हैं। इसकी जो नेचुरल है उसमें भर देंगे डायरेक्ट वुड फिलर, बाकी जो ब्राउन वाला है उसमें सेना मिक्स कर लेंगे, इसी तरह का कलर बना लेंगे ब्राउन वाले का। और ये जो व्हाइट कलर के है इसमें हम वुड फिलर में चाक मिट्टी का प्रयोग करेंगे ताकि लाइट हो जाए। बाकी ब्राउन कलर का वुड फिलर भी आता है। रिपेयर करने के बाद जब रिपेयर सूख जाती है तो इस तरह से रेगमाल लगा लेते हैं इस पर 220 नंबर का। ये रेगमाल अच्छी तरह दबा के लगा लेना है ताकि एक्स्ट्रा रिपेयर ना रहे कहीं पर। और पट्टे वाले रेगमाल का काम सारा खत्म हो चुका है, पट्टे वाले का कोई काम नहीं है। अब इसके बाद अगर आपको कलर करना है तो कलर करने के लिए अगर आप ब्राउन करना चाहते हैं तो वॉलनट वुड स्टेनर का प्रयोग कर सकते हैं स्पिरिट पॉलिश में मिक्स करके इसके ऊपर कलर चढ़ाने के लिए। बाकी अगर आपको ब्लैक चाहिए तो उसके चारकोल का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं इसमें आपको ऐसे करके दिखाऊंगा। तो अब इसके ऊपर सीलर मारना है हमें, ये मैंने लिया है सैंडिंग सीलर, ऐसे सीलर वुड होम कंपनी का है, आप कंपनी कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। सैंडिंग सीलर होना चाहिए और कंपनी आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए बेस्ट रिजल्ट के लिए। और इसको पतला करने के लिए इसमें ओरिजिनल एनसी थिनर का प्रयोग करें, या आप जिस कंपनी का सीलर यूज करते हैं उसी कंपनी का थिनर का प्रयोग करें तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और यह पॉलिश धूप में ज़्यादा बढ़िया होती है,
वैसे तो छाया में भी हो जाती है, लेकिन अगर धूप में करेंगे तो आपको ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। ये एनसी थिनर है, ओरिजिनल कंपनी का एनसी थिनर है, आप ओरिजिनल ही प्रयोग करें। और इसमें थोड़ा सा आप लाइकर भी मिक्स कर सकते हैं इसकी शाइनिंग करने के लिए। ये एनसी लाइकर है, इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं आप सैंडिंग सीलर में, जिससे कि दोनों काम हो जाएंगे, भराई भी हो जाएगी और शाइनिंग भी आ जाएगी। ये लाइकर ही है, बना हुआ रखा था मेरे पास एनसी लाइकर। फिर इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से मिक्स करना है। थिनर इसमें आधा मिक्स करना पड़ता है, जैसे आपने आधा लीटर सैंडिंग सीलर लिया है तो आधा लीटर थिनर डालेंगे उसमें। बाकी कंपनी के हिसाब से थिनर कम ज़्यादा पड़ सकता है, डब्बे के ऊपर सारा लिखा होता है कि थिनर कितना डालना है। ये इतना पतला तक आपको बना लेना है जितना भी थिनर पड़े, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो जाएगा कोई चक्कर नहीं है, ज़्यादा मोटा माल ना हो, पतला हो जाए कोई बात नहीं है, क्योंकि मोटा माल मारेंगे तो निशान आते हैं गद्दी के। ये मलमल का कपड़ा है, आपको व्हाइट कलर का कपड़ा लेना है, अगर आप कलर वाला प्रयोग करेंगे तो सब कलर निकल जाएगा। और अब इसके ऊपर अप्लाई करना है हमें, अगर आपने इसके ऊपर कलर करके रखा है तो आपको पहला हाथ बिल्कुल हल्के हल्के से मारना है ताकि रंग ना निकले। एक दो हाथ मारने के बाद में रंग जब पक्का हो जाएगा तो फिर जैसे मर्जी आप मार सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। तो मैंने तो इसके ऊपर कलर किया नहीं है, तो जैसे मर्जी गद्दी मारो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सूखने के बाद में इसके ऊपर डबल कोट अप्लाई करेंगे, वैसे तो तुरंत ही सूख जाता है, जैसे आप दरवाजा कर रहे हैं एक, तो अगर आप एक तरफ से करेंगे तो दूसरी तरफ सूख जाएगा, तुरंत ही सूख जाता है। ये मैं छोटे छोटे पीस कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा थोड़ा मुझे गैप देना पड़ता है, बाकी आप दरवाजा करेंगे तो उसमें एक तरफ से करेंगे दूसरी तरफ से सूख जाएगा। अब इसी तरह से इसके ऊपर कोट मारते रहना है जब तक कि हमारी नस पूरी भर ना जाए लकड़ी या वीनियर की। जब इसकी नस पूरी भर जाएगी तो उसमें शाइनिंग आ जाएगी हल्की हल्की, तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी नस भर गई है। अभी तीन चार हाथ लगे हैं तो ये देख सकते हैं इस तरह की भराई हो चुकी है इसकी। अभी इसकी नसें बहुत खाली दिख रही हैं, ये देख सकते हैं सारी नसें दिख रही हैं तीन चार हाथ लगने के बावजूद भी। अब अगर इसके ऊपर आप इसी तरह से ग्लोसी मार देते हैं तो जो ग्लोसी की ग्लॉस होती है वो कुछ दिन के बाद ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसकी भराई भी फुल हुई नहीं है। अगर आप ग्लोसी मारेंगे तो ये सारा माल पी जाएगी, अंदर ही चला जाएगा। इसके भराई हमें इसलिए करनी पड़ती है ताकि जो हम ग्लोसी का प्रयोग करें तो ये अंदर न जाए लकड़ी के, ऊपर ऊपर ही रहे। अगर आपको लॉन्ग टाइम शाइनिंग चाहिए तो इसकी फुल भराई करनी पड़ेगी, उसके बाद में इसके ऊपर शाइनिंग वाला केमिकल प्रयोग करें, नहीं तो कुछ दिन के बाद में यह ख़त्म हो जाएगी। चार पांच हाथ मारने के बाद में इसके ऊपर रेगमाल लगा लें, 320 नंबर या 400 नंबर का। ये 220 नंबर का मेरे पास पुराना रेगमाल है, अच्छा है तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नवा ना लगाएं इसके ऊपर, जिससे कि रेगमाल लगाने से ये होगा कि जो कपड़े के निशान होंगे वो कट जाएंगे, वो बराबर हो जाएगा, फिर आपको प्लेन दिखेगा बिल्कुल। इसी तरह से चार पांच हाथ मारने के बाद में बीच में एक बार रेगमाल मार लें तो आपको बिल्कुल स्मूथ फिनिश और बिल्कुल प्लेन फिनिश मिलेगी। सीलर की भराई कितनी करनी है या लकड़ी या वीनियर के ऊपर डिपेंड है कि उसके रेशे किस तरह के हैं, उसमें नशे किस तरह के हैं। कोई कोई वीनियर बिल्कुल प्लेन होती है तो उसमें ज़्यादा भराई नहीं करनी पड़ती है, 10-12 हाथ ही मारने पड़ते हैं। बाकी कोई कोई वीनियर ऐसी होती है कि उसमें 15-20 कोट भी मार देंगे फिर भी उसकी भराई नहीं होगी। कोट जितने भी मर्जी लग जाए लेकिन उसकी भराई पूरी होनी चाहिए, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ज़्यादा हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम हो गया तो उसकी शाइनिंग कुछ दिन के बाद में ख़त्म हो जाएगी। इस पॉलिश को करने में हमारा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा बर्बाद होता है, तभी ये आजकल कम ही होती है क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। आजकल मेलामाइन और प्यू पॉलिश ज़्यादा हो रही है क्योंकि वो फटाफटी हो जाती हैं, वह सब स्प्रे से होने वाली हैं पॉलिश, उनके दो कोट मारो और फुर भलाई हो जाती है, उसमें टाइम की बचत हो जाती है। बाकी इसमें टाइम ज़्यादा लगता है इस पॉलिश को करने में, ये पहले पुराने ज़माने में ज़्यादा होती थी जब मेलामाइन और या प्यू आई नहीं थी। तो ये देखिए इतनी भराई हो चुकी है इसकी, इतनी शाइनिंग भी आ गई है इसमें हल्की हल्की सी, अभी भी इसमें कमी है, अभी इसकी भराई और भी करनी पड़ेगी। और टॉप कोट में इसके ऊपर आप चाहें तो मेलामाइन या प्यू ग्लोसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, अगर आपके पास स्प्रे गन अवेलेबल है तो आप उसके लिए प्यू या मेलामाइन का प्रयोग कर लें टचवुड ग्लोसी की जगह। तो अभी इसकी भराई हो चुकी है, देख सकते हैं इतनी भराई हो गई है इसकी, अब इसमें नसें नहीं दिख रही हैं और इसमें शाइनिंग भी आ गई है क्योंकि हमने इसमें लाइकर भी मैंने मिक्स किया था थोड़ा सा। ये देख सकते हैं ये जब भर जाएगा तो इस तरह की शाइनिंग हो जाएगी इसकी, अभी भी थोड़ी सी नसें दिख रही हैं, बाकी इतना चल जाएगा। अगर आप चलाना चाहते हैं तो, बाकी मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं। ये इसमें देख सकते हैं पूरी भराई है, ये तो इसका डिज़ाइन है जो बड़े होल दिख रहे हैं, वीनियर में ऐसे ही होता है इसके। और इसकी भी शाइनिंग देख सकते हैं, पूरी नसें इसकी फुल हो चुकी हैं। अब जब इसके ऊपर आप ग्लोसी में चलाएंगे तो ऊपर से ही ऊपर ही रह जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा ये।
तो अभी इसके पर एक दो गद्दी और मार लेते हैं, उसके बाद में आपको फाइनल करके दिखाते हैं फिर। और यह पॉलिश आप घर के अंदर वाले हिस्से में ही प्रयोग करें, अगर आप बाहर इसका प्रयोग करते हैं जहां धूप और पानी पड़ती है तो ये पॉलिश जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो इसकी पूरी भराई कर ली है मैंने, आप देख सकते हैं इसकी पूरी नसें फुल हो गई हैं, अब इसमें कहीं भी जगह नहीं है माल अंदर जाने की, इसलिए अब इसको हम फाइनल कर सकते हैं। फाइनल के लिए अगर आपको लाइकर का प्रयोग करना है तो लाइकर भी लगा सकते हैं, NC लाइकर। लाइकर में आपको बिल्कुल स्मूथ फिनिश मिलेगी, बाकी आप चाहें तो टचवुड ग्लोसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। टचवुड ग्लोसी में आपको बिल्कुल स्मूथ फिनिश नहीं मिलेगी, इसमें शाइनिंग ज़्यादा होती है और ये थोड़ा सूखने में भी टाइम लगाता है, 8-10 घंटे लेता है सूखने में। ये 200 ग्राम की पैकिंग है, इसकी MRP है 69 रुपीज़। एशियन पेंट्स का है, बाकी आप चाहें तो कोई दूसरी कंपनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके ऊपर फाइनल करने से पहले हमें 400 नंबर या फिर 600 नंबर का रेगमाल मारना पड़ता है ताकि इसमें जो गद्दी वगैरह के निशान हों वो कट जाएं और हमें बिल्कुल स्मूथ फिनिश मिले। तो इस तरह से रेगमाल लगा लेना है इसके ऊपर, ये देख सकते हैं लगा लिया है मैंने रेगमाल। इसी तरह से पूरी विनियर और लकड़ी के ऊपर रेगमाल लगा देना है हमें। रेगमाल लगाने के बाद में इसको कपड़े से अच्छी तरह साफ कर लेना है और आसपास का एरिया बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, कहीं पर डस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टचवुड ग्लोसी 10-12 घंटे सूखने में टाइम लगाती है, अगर इसके बीच में कहीं से इसके ऊपर डस्ट पड़ गई तो इसी में चिपक जाएगी जिससे कि खुरदरा हो जाएगा। तो यही प्रयोग करेंगे हम टचवुड ग्लोसी का ही। इसको पतला करने के लिए इसमें तारपीन का तेल मिक्स करना पड़ता है 1 लीटर में लगभग 200 ग्राम। फिर इस तरह से इसको अप्लाई कर देना है। इसको आप चाहें तो ब्रश से भी मार सकते हैं या फिर हाथ से भी मार सकते हैं। इसी तरह से आप इसके ऊपर मार देंगे तो जितनी शाइनिंग दिखेगी उतनी ही शाइनिंग रहेगी, कभी भी शाइनिंग इसकी ख़त्म नहीं होगी। और आप चाहें तो इसके ऊपर डबल भी मार सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है, जब ये सूख जाएगा तो रेगमल लगा के हल्का हल्का सा। तो जितनी शाइनिंग अभी आपको दिखेगी उतनी ही शाइनिंग रहेगी, 4-5 साल के बाद भी इतनी ही शाइनिंग रहेगी, इसकी शाइनिंग खत्म होने वाली नहीं है क्योंकि हमने इसके ऊपर पूरी भराई की हुई है। तो अभी ये मैंने मार दिया है इसके ऊपर, इस तरह की हो गई है फिनिशिंग। अब इसके ऊपर अगर आपको डबल कोट करना है तो जब ये सूख जाएगा 10-12 घंटे में तो इसके ऊपर आप 600 नंबर का हल्का हल्का रेगमल लगा ले ताकि इसके ऊपर दाने दूने जो हों वो कट जाएं, और उसके बाद में इसके ऊपर इसी तरह से एक कोट और अप्लाई कर दें जिससे कि इसकी शाइनिंग और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हो चुका है हमारा पूरा फिनिश। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।